ईसाई समाज के पवित्र पर्व क्रिसमस करीब आते ही चर्चों की रौनक बढ़ गई है। शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में मसीही गायन प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें मसीही समाज के बच्चों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की। प्रतियोगिता में 1 से 14 वर्ष तक जूनियर ग्रुप, 14 से ऊपर तक सीनियर ग्रुप के बच्चों तथा युवाओं ने सहभागिता करते हुए यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। मसीही गीतों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चर्च के पादरी डी आर लाल ने कहा, क्राइस्ट चर्च का पुरोहित हूँ। देखिए, हमारे मसीह भाइयों का दिसंबर की वजह से हमारे क्रिसमस का आगमन नज़दीक है और दिसंबर महीने के पहले रविवार से ही, इसको हम आमद का या एडवेंट संडे कहते हैं, हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। और इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष यहाँ पर पूरे गोरखपुर के जितने चर्चेज हैं वहाँ से हम लोगों को बुला के, पार्टिसिपेंट्स को बुला के, प्रतिभागियों को बुला के एक प्रभु की महिमा के गीत का आयोजन करते हैं कंपटीशन के रूप में, और उसके लिए हम लोग गिफ्ट देते हैं। और ये प्रतिवर्ष हम लोग ने शुरू किया है, पिछले 3 वर्ष बीत चुके हैं, ये 4th वर्ष है जो हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इसके द्वारा इसको करने का मुख्य कारण ये है कि हम पहली बात तो आपसी जो चर्चेज हमारे हैं, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हो, उनके अंदर एक प्रेम की और आपसी सौहार्द की भावना को उत्पन्न करना चाहते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के महिमामय गीतों को गा के प्रभु की और परमेश्वर की महिमा तो करते ही हैं, साथ ही साथ इन गीतों के द्वारा सारे अपने गोरखपुर वासियों को कम से कम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, जो प्रेम, आपसी भाईचारे और क्षमा से ओतप्रोत है, उसका संदेश देते हैं।